तो भाई लोग आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का जो मैच नंबर 10 है इसमें ऑस्ट्रेलिया के सामने होगा ओमान। ओ मान यार मेरी मान, तुम मैच जीते थे, आखिरी बॉल पे आपके विकेट कीपर ने आपको मैच हरा दिया। एक बॉल पे दो रन चाहिए था, डेविड विजय बैटिंग कर रहा था, गेंदबाज ने बॉल डाली सीधा विकेट के पीछे हाथों में गए और विकेट कीपर बिल्कुल आगे खड़ा था लेकिन बॉल को कलेक्ट ना कर पाया, उतने में एक रन हो गया। जब एक रन हो गया मैच टाई हो गया, डेविड विजय आता है मार मार के धनिया बना देता है। अगर वो बॉल हाथ में आ जाती तो 110 डिफेंड कर लिया था ओमान ने, पूरी दुनिया मान लेती हाँ ओमान तुम हो तैयार, लेकिन अब वो मौका ना मिलेगा भैया क्योंकि सामने है कंगारू इंडिया की टीम। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि यार ओमान ऑस्ट्रेलिया को हरा दे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल तक नहीं जाना चाहिए। अगर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल तक का गया तो इंडिया का वर्ल्ड कप का दरवाजा बंद है क्योंकि ये आप समझ ही रहे हो क्या बात करें। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, क्या ओमान उलटफेर कर पाएगा या कंगारू टीम है बोलेगे भैया ऐसे थोड़ी ना हमको कंगारू बोलते हैं क्योंकि हम मार मार के ना धनिया नहीं बनाते, हम मारते कम हैं घसीटते ज़्यादा हैं। तो भैया क्या ऑस्ट्रेलिया एक तरफा मैच जीतेगा या ओमान कर पाएगा उलटफेर, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेड टू हेड तो आपको पता है ये दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी T20 में, पहली बार T20 मैच एक दूसरे के सामने खेलेंगे, तो आज के मैच में क्या होगा चलो एनालिसिस करते हैं पता लगाते हैं। बस उससे पहले फिर से वही बकवास बात, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप भी थक गए होगे, मैं भी थक गया हूँ, लेकिन जब तक आप करोगे नहीं चैनल को सब्सक्राइब तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना, कर दिया बहुत बढ़िया। एक चीज़ तो करना बिल्कुल भी मत भूलना, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन, क्यों ज्वाइन करना है क्योंकि टेलीग्राम पर जिस टीम को मैं बोलता हूँ मैच जीतेगी मैच जीत जाती, जिस ओवर में बोलता हूँ विकेट जाएगा उसी ओवर में विकेट जाता है, 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलता हूँ बनने के लिए उतने ही रन बनते हैं। इतनी ज़बरदस्त अपडेट किसी और टेलीग्राम पर मिलेगी, सिर्फ भाई के टेलीग्राम पे मिलेगी, आपको यकीन नहीं है तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ लिंक के मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहां पे भी लिंक मिल जाएगी। अब सब प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, ज्वाइन करो। और जो आज का मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेज ओमान, इसमें भाई की अपडेट चेक करना, अगर आपको सारी चीज़ें बढ़िया मिलती है तो टेलीग्राम पे बन जाना टिक जाना, अगर आपको अपडेट पसंद ना आए तो वापस आ जाना क्योंकि आने जाने का कोई पैसा नहीं लगता। बाकी अगर हम इस मैच पे वापस आए तो भैया ये जो मैच है थर्सडे 6 जून इंडिया टाइम अनुसार 6 AM जब हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग कुकड़ू को तभी सिक्का उछाल के मैच खेलने की तैयारी कर रहे होंगे। और जो मैच है केनसिंगटन ओवल 20 राउंड बारबाडोस में खेला जाएगा, यहाँ के मैदान पर इससे पहले 24 मैच खेलेगा जिसमें से 16 मैच में क्या हुआ टारगेट डिफेंस, 7 मैच में क्या हुआ टारगेट चेज, 1 मैच में मैच टाई रहा जो कि पिछला मैच है जिसे सुपर ओवर में नामीबिया ने अपने नाम पे किया था। एवरेज स्कोर है 157, ज़्यादा रन नहीं बनता। टारगेट चेज की बात करें तो 153, 153 के नीचे स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकते हैं। टारगेट डिफेंड की बात करें 169, 159 प्लस स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकते हैं। 153 से 169 के बीच में स्कोर होगा तो आप समझ जाना मामला बराबरी का, जो कि चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। भैया यहाँ का जो सरफेस है ना वो हार्ड ग्रोस है, जब हार्ड ग्रोस होता तो क्या होता, जब तक बॉल नया होता है जब तक बॉल में साइनिंग होती जो बॉल होता है स्विंग करता है बल्लेबाजी करना मुश्किल होता, जैसा कि नामीबिया एंड ओमान के मैच में देखोगे काफ़ी ज़्यादा स्विंग मिलता है तो शुरू के 4-5 ओवर बल्लेबाजी करना मुश्किल होता है। लेकिन जब बॉल की साइनिंग खत्म होती है तो जो बॉल होता है बैट पे आता है क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है वो बैटिंग कंडीशन है। बाउंड्री लेंथ की बात करें तो 56 मीटर से 67 मीटर की बहुत ज़्यादा बड़ी बाउंड्री नहीं है, फिर भी ज़्यादा रन यहाँ पे नहीं बनते खास करके दूसरी इनिंग में, जैसा कि पिछले मैच में देखा होगा कि 110 था फिर भी डिफेंड कर लिया था ओमान ने, कैसे हुआ ये देखो। जो पहली इनिंग होती है उसमें होता क्या है कि जब तक बॉल नया होता है तब तक बॉल स्विंग करेगा, 4-5 ओवर बल्लेबाजी करना मुश्किल होगा, बाद में थोड़ा सा रन बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सेकेंड इनिंग में सरफेस ग्रोस है साथ में हार्ड है, इसकी वजह से होता क्या कि न्यू बॉल से स्विंग तो करता है लेकिन जो गेंदबाज वेरिएशन अच्छी करते हैं नकल बॉल स्लो ओवर का बढ़िया इस्तेमाल करते हैं ना उनके भी सामने रन बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए पिछले मैच में 110 डिफेंड होते होते या हो ही गया था, 23 मैच जो खेले गए हैं उसमें से 16 मैच डिफेंड हुए, सब 7 मैच चेज हुए, मतलब पहली इनिंग के मुकाबले दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करना ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए यहाँ पे जो मैच है ज़्यादातर मीडियम स्कोरिंग मैच होते हैं और वो भी डिफेंड हो जाता है। आज के मैच में पावर प्ले स्कोर की बात करें तो 46 से 51, 20 ओवर स्कोर की बात करें तो 150 से 165 के बीच में देखने को मिल सकता है। इस मैदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने 6 मैच खेला, 3 जीता 3 हारा, मतलब एक जीतते हैं एक हारते हैं। ओमान ने 1 मैच खेला उसे हारा, मैं तो बोलूँगा जीता,
चलो हारा ही सही। जिन लोगों ने मैच देखा होगा उनको पता होगा कि मैंने जीता क्यों बोला। तो भैया ये दोनों टीमें इस मैदान पे पहली बार खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया एंड ओमान। तो क्या होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की, देख लेते हैं कंगारुओं की प्लेइंग इलेवन क्या होगी T20 के पहले मैच की, मतलब ऑस्ट्रेलिया के पहले मैच की। तो ट्रेविस हेड के साथ डेविड वार्नर ओपन करते नजर आएंगे, तीसरे नंबर पर कप्तान मिशेल मार्श, चौथे नंबर की बात करें ग्लेन मैक्सवेल, पांचवें नंबर पर मार्कस स्टोनिस, छठवें नंबर की बात करें तो जोस इंग्लिस, सातवें नंबर पर आपको दिखेंगे एस्टन अगार, आठवें नंबर की बात करें तो पैट कमिंस, नौवें नंबर की बात करें तो मिशेल स्टार्क, बीच में एक प्लेयर को मैंने खा लिया टीम डेविड, हाँ जी सातवें नंबर पे जो खेलेंगे टीम डेविड होंगे, और आखिरी में सबसे एडम जंपा। ये होगी ऑस्ट्रेलिया की इस मैच की पॉसिबल प्लेइंग इलेवन। परफॉर्मेंस की बात करें तो आप सबको पता ट्रेविस हेड खतरनाक बल्लेबाज, जो मारता है तो रुकता ही नहीं है, पता नहीं क्या खा के आता है। लेकिन आखिरी के चार मैचों में तो तीन में तो जीरो पे आउट हो गए भैया, एक में 34 बनाए थे, मतलब लगता था जो सारी एनर्जी है ना वो वर्ल्ड कप के लिए बचा के रखी थी, बोला था SRH आई एम सॉरी अभी तो वर्ल्ड कप खेलने जाना। लेकिन क्या ऐसा होगा, या जो पनौती लगी थी IPL में वही चालू होगी, वो तो देखने वाली बात होगी। अगर हम यहाँ पे फॉर्म की बात करें तो फॉर्म ठीक ठाक है, पिछले चार मैच को छोड़ दिया जाए। डेविड वार्नर की बात करें तो डेविड वार्नर की भी जो फॉर्म है ठीक ठाक है, लेकिन जो जैसे खतरनाक नहीं कहेंगे, क्योंकि दिल्ली वालों ने तो इनको खिलाया नहीं, बोला चल वह तू तो रन बनाता नहीं तो मैं तय को काय को खिलाऊँ, वैसे अच्छा किया। फॉर्म खराब रहेगी तो हमारा ही फायदा होगा, बाकी टीमों का फायदा होगा। तो डेविड वार्नर भी ठीक ठाक फॉर्म में, बहुत अच्छी नहीं कह सकते। मिशेल मार्श ने IPL में जो दो चार मैच खेले थे उसमें रन नहीं बना पाए थे, उसके बाद तो खेला ही नहीं, सीधा यहाँ पे दिखेंगे। जो इनकी फॉर्म है वो भी मुझे लगता है ठीक ठाक नहीं है। बात करें ग्लेन मैक्सवेल की तो फॉर्म तो पता है, बल्ले से तो बिल्कुल जूझ ही रहे थे, रन नहीं बना पा रहे थे, लेकिन गेंदबाजी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉलिड कर रहे थे। तो हम कह सकते हैं जो मैक्सवेल की फॉर्म है बल्ले से वो अच्छी नहीं है, लेकिन गेंदबाजी से बढ़िया फॉर्म में मार्कस स्टोनिस, ये ठीक ठाक फॉर्म में दिखे थे, चाहे बल्ले से बात कर लो या गेंदबाजी से, दोनों जगह ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके आए हैं, रन बना रहे हैं और साथ में गेंदबाजी करते हुए विकेट भी चटका रहे हैं। जोस इंग्लिस की बात करें तो जोस इंग्लिस ज्यादा मतलब देखा जाए तो मौका मिलता नहीं है, लेकिन जब जब मौका मिलता है बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए रन बनाते, तो इनकी भी जो फॉर्म है वो भी ठीक ठाक है। टीम डेविड की बात करें तो हमेशा बढ़िया फिनिश करते हैं, IPL में भी ठीक ठाक फिनिश किया, फॉर्म इनकी अच्छी है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे बल्लेबाजी की देखें तो नाम तो बड़े बड़े हैं, लेकिन जो फॉर्म की बात करें तो कहीं ना कहीं फॉर्म थोड़ा सा हल्की फुल्की नजर आ रही है, लेकिन सामने ओमान की टीम है, कहीं ऐसा ना हो सबकी फॉर्म यहीं पे आ जाए, सबकी फॉर्म आए तो भैया 300 रन भी दिख सकते हैं इनके तरफ से, जो कि मुमकिन है। ऐसा मत सोचना कि 300 ना बनेगा T20 है भैया, ट्रेविस हेड चला गया तो बहुत मारेगा। तो बल्लेबाजी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्म की तलाश है, आई थिंक आ भी सकती है आ भी नहीं सकती। बात करें अगर हम यहाँ पे गेंदबाजी लाइनअप की तो पैट कमिंस शानदार गेंदबाज है यार, जो मतलब न्यू बॉल से भी गेंदबाजी करवा लो, मिडिल में करवा लो, डेथ में करवा लो, जो इनकी फील्डिंग होती है, फील्डिंग सजा के जिस तरह से बल्लेबाज को फंसाते हैं, कैसे झेलेंगे ओमान वाले। मिशेल स्टार्क शुरुआत में 24 करोड़ ने बहुत खराब प्रदर्शन किया था, लेकिन आखिरी में जब जरूरत थी तब स्टार्क जागे KKR को चैंपियन बनाया, तो इनकी जो फॉर्म है जबरदस्त है, देखने वाली बात होगी कितनी गेंद झेल पाते हैं ओमान वाले। बात करें अगर हम यहाँ पे एडम जंपा की तो जंपा वो चलाक गेंदबाज है ना, जो अपने चिंटू चहल वाला है नहीं, उससे ज़्यादा चलाक मुझे एडम जंपा लगता है, क्योंकि चलाक से ज़्यादा दिलेर गेंदबाज, कभी भी बचने के लिए नहीं जाते, हमेशा अगर इनको 6 छक्के पड़ जाते तब भी विकेट के पीछे जाते, जो इनको फायदा भी करता है, हमेशा बढ़िया गेंदबाजी करते हुए दिखते हैं भी है। एस्टन अगार इस लड़के के अंदर ये बात है कि आपको ना हमेशा किफायती दिखेगा, विकेट कम मिलेगा लेकिन थोड़ा सा किफायती दिखेगा, थोड़ा सा बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर सकते हैं। तो गेंदबाजी कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलिया की है वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, क्योंकि जो इनके 3-4 प्रॉपर गेंदबाज है वो तो बढ़िया फॉर्म में है ही, बाकी मैक्सवेल और मार्कस स्टोनिस भी बढ़िया फॉर्म से गेंदबाजी करते हुए आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो टीम है ऑस्ट्रेलिया की बेहतर है, गेंदबाजी पूरी फॉर्म में है, बल्लेबाजी आधी अधूरी फॉर्म में है। बात करें अगर हम यहाँ पर ओमान के चेंजेस की बात करें तो मुझे नहीं लगता इनके खेमे में कोई चेंज होगा, क्योंकि दिल टूटे हैं, हौसला थोड़ी ना टूटा है, क्योंकि जीता मैच हारे हैं, तो मुझे लगता है एक मौका इनके कप्तान फिर से अपनी टीम को देना चाहेंगे। हालांकि जो परफॉर्मेंस रही थी ना खास करके बल्लेबाजों की बहुत ही ज्यादा खराब रही थी पहले मैच में, कश्यप प्रजापति की बात करें तो बिल्कुल फ्लॉप रहे, ज्यादा कुछ ना कर पाए, जबकि ठीक ठाक बल्लेबाज हैं। ओवरऑल फॉर्म की बात करें तो ओवरऑल फॉर्म इनकी यही है कि कभी चलते हैं कभी नहीं चलते। नसीम खुशी की बात करें तो इनकी भी वही कहानी है, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, पिछले मैच में भी फ्लॉप रहे। आकिब इलियास कप्तान की बात करें तो बल्लेबाजी से तो फ्लॉप रहे, और ओवरऑल जो फॉर्म है इनकी अच्छी रहती है, अच्छे फॉर्म में, बस हो गया एक आधा मैच में, लेकिन गेंदबाजी नसीम शाह ने आकिब इलियास ने बढ़िया करी थी, कप्तान जी ने। जीशान मकसूद की बात करते हैं, इनकी जो फॉर्म है काफी ज्यादा बढ़िया, जो कि पिछले मैच में दिखी लय में दिख रहे थे, लग रहा था कि टीम को संभालेंगे लेकिन आउट हो गए, कोई बात नहीं फॉर्म इनकी अच्छी है, हो जाता है एक आधा मैच में। खालिद कैल ने भी बढ़िया बल्लेबाजी करी पिछले मैच में, जो इनकी भी फॉर्म है ना वो भी ठीक ठाक है, मतलब सभी मैचों में लगभग रन बनाते हुए आ रहे हैं, और पिछले मैच में सबसे ज्यादा रन तो खालिद कैल ने ही बनाए, हालांकि खालिद कैल और जीशान मकसूद के अलावा कोई चल ना पाया पहले मैच में। हालांकि बल्लेबाजी जो है उतनी ज्यादा खराब नहीं है इनकी,
अयान खान की बात करें तो बॉलिंग या बैटिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं, लेकिन गेंदबाजी इन्होंने बढ़िया करी, बल्लेबाजी ज़्यादा अच्छी ना कर पाए। ओवरऑल फॉर्म की बात करें तो जो अयान खान है बल्लेबाजी मतलब ज़्यादा कुछ अच्छी ना कर पाते, गेंदबाजी भले ही ठीक ठाक करते हैं। मोहम्मद नदीम की बात करें तो मोहम्मद नदीम तो मुझे ओवरऑल फ्लॉप भी लग रहे हैं, पिछले मैच में ही फ्लॉप हो गए, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। मुझे नहीं लगता है शायद इनकी जगह पर कोई चेंजेस हो सकता है। बाकी मेहरान खान की बात करें तो मेहरान खान की जो करंट परफॉर्मेंस थी वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उतने ज़्यादा फॉर्म में नहीं दिख रही, लेकिन पहले मैच में भाई साहब ने जो गेंदबाजी करी है, 3 विकेट चटकाए, 7-8 रन देके 4 ओवर में, भाई गेंदबाजी थी कोहराम थी, तो इनकी फॉर्म आ चुकी है। लेकिन शकील अहमद की बात करें तो शकील अहमद ने गेंदबाजी बढ़िया करी, भले विकेट ना मिले लेकिन सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी करी। कलीमुल्ला की बात करें तो कलीमुल्ला को ज़्यादा गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो मिला उसमें ज़्यादा कुछ ना कर पाए, और ओवरऑल जो फॉर्म है इनकी ख़राब भी है। बिलाल खाल की बात करें तो पहले से भी फॉर्म में, इस मैच में बढ़िया गेंदबाजी करे, तो कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पर बात करें ओमान की तो गेंदबाजी इनकी सॉलिड है, पहले से भी फॉर्म में, पिछले मैच में भी बढ़िया गेंदबाजी करी। बल्लेबाजी की बात करें तो पहले भी स्ट्रगल करती थी और पिछले मैच में भी स्ट्रगल करी। तो अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों के लास्ट 6 मैच के बिहार पे कंपैरिजन करें तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने आखिरी के 6 मैच में 5 मैच जीता, बस 1 मैच हारा, यानी ऑस्ट्रेलिया भैया जहां भी जाता है मैच जीतता है। बात करें ओमान की तो आखिरी के 6 मैच में 4 मैच जीते, बस 2 मैच हारा, तो यार इन्होंने बढ़िया खेला आखिरी के 6 मैच में, तभी तो 4 जीता बस 2 हारे। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 158, 158 T20 में 158 का जो बल्लेबाजी एवरेज होता है भैया ये अच्छा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया की बात करें 211, 211 भाई साहब क्या बल्लेबाजी एवरेज है यार, ये तो मार मार के भुड़ता बना देते हैं। गेंदबाजी एवरेज की बात करें तो 8.70, यानी गेंदबाजी एवरेज भी अच्छा है। जो इनके गेंदबाज हैं 180 के नीचे रन खाते हैं, जो इनके बल्लेबाज है 211 के आसपास रन बनाते हैं, तभी तो 6 में से 5 मैच जीता, बस 1 मैच हारा। बात करें अगर हम यहाँ पे ओमान की गेंदबाजी एवरेज की तो 7.47 जो गेंदबाजी एवरेज होता है ना भैया, ये भी काफी ज्यादा बढ़िया होता है, यानी जो इनके गेंदबाज हैं वो 150 से 60 के बीच में रन खाते हैं, जो इनके बल्लेबाज है वो भी 158 तक कैसे भी कैसे करके पहुंच जाते हैं, तभी आखिरी के 6 मैच में 4 मैच जीता, 2 मैच हारे, यानी जो ये मैचेस जीतते हैं ना कहीं अपने गेंदबाजों के दम पे जीतते हैं। तो रिजल्ट की बात करें ऑस्ट्रेलिया आगे है लेकिन बहुत ज़्यादा आगे नहीं है ओमान से। बल्लेबाजी एवरेज की बात करें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बहुत ही आगे है किससे, ओमान से, लेकिन गेंदबाजी एवरेज है ओमान का, गेंदबाजी एवरेज देख लो ऑस्ट्रेलिया से बेहतर है। हाँ वो बात अलग है कि ओमान अपनी बराबर की टीमों से खेल कर आया है और ऑस्ट्रेलिया अपनी बराबर की टीमों से खेल कर आया है, तो टीम का तो फर्क है, एक कहाँ आसमान एक कहाँ खाली मैदान, तो खाली मैदान ओमान, आसमान टीम ऑस्ट्रेलिया। तो भैया आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम है जो मैच उड़ा के ले जाएगी जीतेगी, चलो मैं आपको अभी के अभी अभी बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मैं घिसा पीटा डायलॉग मत बोलूँ बार बार, कर लो भाई के चैनल को सब्सक्राइब, तो बार बार नहीं बोलूँगा, साथ में वीडियो को लाइक कर देना। तो भैया सारे एनालिसिस के बाद ही जो मैच है वो 80-20 का है, 80 टीम ऑस्ट्रेलिया 20 टीम ओमान, और दोस्तों मुझे भी लगता है जो आज का मैच है टीम ऑस्ट्रेलिया अपने नाम पर कर सकता है। बाकी यार मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, क्यों ज़रूरी है सुन लो, टेलीग्राम पे मैं जिस टीम को बोलता हूँ मैच जीतेगी वो टीम मैच जीत जाती है, जिस ओवर में बोलता हूँ विकेट जाएगा उसी ओवर में तो विकेट जाता है, 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलता हूँ बनने के लिए उतने ही रन बनते हैं। तो इतनी ज़बरदस्त अपडेट कहीं और आपको मिलेगी ना जी, ना कहीं और आपको ना मिलेगी, आपको यकीन नहीं है तो अभी यार डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिलेगी, जो कमेंट है सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, ज्वाइन करो, जो आज का मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेज ओमान उसमें भाई की अपडेट चेक करना, अगर आपको सब कुछ बढ़िया मिलता है तो टेलीग्राम पे बन जाना टिक जाना, आपको अपडेट पसंद ना आए तो वापस आ जाना क्योंकि आने जाने का कोई पैसा नहीं लगता। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।